डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इस सीरीज में आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी जो कि हम बेसिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट लेंगे और जितनी भी मैक्सिमम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल है एडवांस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ग्रेजुअली उसको कवर करेंगे। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात करते हैं तो हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एक कंपनी विच इज ए जो कि एक्वायर करती है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एटलीस्ट 51%, अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर्स एक्वायर करती है तो एक्वायर करने वाली कंपनी को कहा जाएगा पेरेंट कंपनी, ऑल्सो नोन एज एक्वायरर, और जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है उसे कहा जाएगा सब्सिडरी कंपनी, ऑल्सो नोन एज एक्वायरी। तो पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट होगा जब एक्वायरर एटलीस्ट 51% शेयर्स एक्वायर करेगा, मींस मोर देन 50% शेयर्स। पुट इट अनदर वे, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है इस तरह से कि उसका कंट्रोल दूसरी कंपनी पर आ जाता है तो कंपनी जो कंट्रोल एक्वायर कर रही है उसे कहा जाएगा पेरेंट कंपनी और जिस पर कंट्रोल एक्वायर किया गया है उसे कहा जाएगा सब्सिडरी कंपनी। प्रैक्टिकली कंट्रोल 50% और लेस देन 50% पर भी आ जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स की डिस्कशन करनी है, तो एटलीस्ट 51% शेयर्स अगर होंगे तो कंट्रोल नॉर्मली आता है। नाउ ए जो कि एक पेरेंट कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी और ग्रुप के लिए ए जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब पेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा या बनाएगी तो पेरेंट कंपनी जो होगी वो अपनी तमाम सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगी, चाहे उसके पास एक सब्सिडरी हो, दो सब्सिडरी हो या मल्टीपल सब्सिडरी हो, डोमेस्टिक सब्सिडरी हो, इंटरनेशनल सब्सिडरीज हो, तमाम सब्सिडरीज को कंसोलिडेट किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास एक कंपनी हो जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सब्सिडरी में हमारे पास कुछ शेयर्स हों और कुछ शेयर्स बाकी अदर इन्वेस्टर्स के पास हों। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी के 60% शेयर्स एक्वायर किए तो आपकी होल्डिंग है अप टू 60%, आपका कंट्रोल आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग शेयर्स हैं 40% वो अदर इन्वेस्टर्स के पास हैं और वो अदर इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली कहलाएंगे, उनके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जिनके पास कंट्रोल नहीं होता उन्हें हम कलेक्टिवली कह रहे हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट इज NCI। सो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी कंपनी है बी, उसके दो ऑनर हो गए, एक हो गई पेरेंट कंपनी जिसके पास 50% शेयर्स हैं और दूसरा हो गया NCI जिसके पास 40% शेयर्स हैं बी के। तो ये इस तरह से हमारे पास 100% कंपोजिशन हो रही है सब्सिडरी के शेयर्स की। और जब हम शेयर्स की बात करेंगे तो रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट The ordinary shares, क्योंकि control ownership आपके पास जो आएगी वो ordinary shares में आएगी, वो preference shares के अंदर नहीं आएगी। Now पहली चीज जो हमें discuss करनी है जिससे हम start लेंगे that is consolidated balance sheet और consolidated statement of financial position। consolidated balance sheet बनाने के लिए हमें इंडिविजुअल पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हम पेरेंट की बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन
सब्सिडरी की बैलेंस शीट के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? सो प्रोसेस स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सब्सिडरी है, दो सब्सिडरीज हैं, और अगर हैं तो उसमें हमारा परसेंटेज कितना है और एनसीआई का परसेंटेज कितना है। उसके बाद पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की होगी, जो कंसिडरेशन पे की होगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे, विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे पास मैक्सिमम कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? इट माइट बी कैश कंसिडरेशन, कि आपने इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी पेमेंट कैश की फॉर्म में की। इट माइट बी शेयर एक्सचेंज विद द सब्सिडरीज शेयर होल्डर। इट माइट बी लोन नोट इशू और डेफर्ड कंसिडरेशन हो सकती है कि कुछ पेमेंट आप बाद में करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, और कंटिजेंट कंसिडरेशन हो सकती है कि आपकी जो पेमेंट है वो किसी कंडीशन के साथ अटैच कर दी गई कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम पेमेंट करेंगे। ग्रेजुअली हम ये तमाम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के कॉम्पोनेंट्स पे काम करेंगे। सो वंस वी विल आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नेक्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। Once we identify the fair value of net asset of subsidiary along with all the above information, फिर हम calculate करेंगे goodwill. Goodwill जो भी calculate की जाएगी उसका जो outcome होगा वो दो outcome हो सकते हैं, या तो वो positive goodwill आएगी या फिर वो negative goodwill आएगी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें डिस्कस करना है कि पॉजिटिव गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और नेगेटिव गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जितनी भी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं वो एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट में वन ऑफ द एडजस्टमेंट इज पेरेंट और सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को गुड सेल कर रहे हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन स्टॉक। उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, इसके अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप की रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिजर्व्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट कैलकुलेट करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट डेट के ऊपर, और इन सब के बाद हम अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट दी बैलेंस शीट कंबाइनिंग पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज इंडिविजुअल बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहे आप सिंपल बना रहे हो या कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या एडवांस कंसोलिडेशन कर रहे हो, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नेमली पहले आप ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, देन एनसीआई वैल्यू, देन नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, गुडविल, एडजस्टमेंट, रिटेन अर्निंग, एनसीआई, और उसके बाद हम एक पूरी बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके बाद हम सब्सिक्वेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।